बुजुर्ग हैं, लिहाज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर पे चढ़ जाएंगे। आप आराम से शांति से जवाब दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, आज आपको नोटिस नहीं मिला, कॉपीज नहीं मिली, फिर भी आप अपीयर होना चाहते हैं क्या? यस, अपीयर होना। अच्छा, कॉपीज आपको दिलाई जाए? दिलाइए ना, अगर ऐसा एट द सेम टाइम। चतुर्वेदी जी, सर चतुर्वेदी जी शांत हो जाइए, दिलाइए ना, मैं आपका नौकर नहीं हूँ। ठीक है, नहीं नहीं, आई एम नॉट टेलिंग यू सर। ऐसा है, शब्दों का चयन उचित होना चाहिए, हाईकोर्ट है, अदरवाइज कुछ रिलीफ नहीं मिलेगा और एक्शन ले लूंगा सर। मेरे से आपसे सर ये रिक्वेस्ट है। हाँ, तो रिक्वेस्ट फॉर्म में होना, रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ सर मैं ये। आप चीफ मैनेजर रहे होंगे और हो सकते हैं अभी भी। नहीं, मैं सिर्फ ये, लैंग्वेज कंट्रोल्ड होना चाहिए, ये कोर्ट है, मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ सर। रिक्वेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। कम से कम सर ये स्टे ऑर्डर तो वैकेट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास। भाई आप नियम से आइए ना, फिर वैकेट करेंगे। नियम से मैं तो, आप हल्ला करेंगे थोड़ा, वैकेट हो जाएगा। हल्ला थोड़ी कर रहा हूँ, आप हल्ला ही कर रहे हैं। ठीक है, आया ना समझ में? कोर्ट में आके हल्ला करके कोई रिलीफ कोई भी नहीं ले सकता है। आवाज हमारी सबसे बुलंद रहेगी और हमेशा रहेगी। ठीक है, आगे समझ में? ठीक, कहीं कहीं प्रभावित करते रहे हो तो उसको भूल जाइए। नहीं, ठीक है, कोर्ट में किसी का प्रभाव नहीं चलता। नहीं, वो सही है सर, प्रभाव नहीं चलता। तो आप थोड़ा सा पढ़ाई करिए, लॉ आता नहीं आपको? नहीं, लड़ने आ गए हैं कोर्ट में खड़े होकर। वकील साहब नहीं लगाना चाहते? नहीं, वकील साहब नहीं लगाना। आपकी आवाज धीमी भी आती है, महसूस हो रहा है हमको। ठीक, तो कभी भी किसी कोर्ट में जाएंगे तो आप रिक्वेस्टिंग मैनर में आएंगे, तब आपको रिलीफ मिलेगा। ये केस आज हमारे पास लगा, कल और कहीं चला जाएगा। ठीक है, पर ये जो आपका एटीट्यूड है, ये आपको कभी रिलीफ नहीं ग्रांट कराएगा। ठीक है ना, ये आपका कोई, सर मैं तो सर रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ सर। रिक्वेस्ट चतुर्वेदी जी। हाँ सर। कितनी एज है आपकी? 69 है। हम आपसे थोड़े ही कम हैं। हमने इस कुर्सी पे बैठ के ऐसे बात नहीं की जैसी आप कुर्सी के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। आया समझ में? भाई आप 69 ईयर्स एज के हैं, आपको आपकी गलती महसूस नहीं हो रही है? आप बोल रहे हैं अगर मैंने कोई गलती की हो तो कुछ तो सीखिए। फिर आपके बच्चों ने क्या सीखा होगा? इसी तरह आपके बच्चे बात करते होंगे। गलती तो बता दीजिए सर, क्या गलती मैंने की? गलती बताऊं? हाँ सर बताइए। दिस केस बिफोर अनदर बेंच एज द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ दिस पिटिशनर रेस्पोंडेंट नंबर 1 इज नॉट अप्रोप्रिएट एंड इन अकॉर्डेंस विद द, लिख दूं सब? आपका केस कहीं से आपके फेवर में नहीं होगा सर। मुझे सर होशियार मत बनिए चतुर्वेदी जी, जितनी होशियारी बेईमानी बदमाशी आपने नौकरी में की होगी ना, वहाँ चल जाती, कोर्ट में नहीं चलती है। आगे समझ में? होशियार मत बनिए। मैंने आपसे निवेदन किया इसलिए था कि आप इंग्लिश बोल के इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे। नहीं सर, मैं कोई है ना, आप हिंदी भाषी हैं, हिंदी बोलना आपको ज़्यादा अच्छा आता है, इंग्लिश आपकी बहुत रद्दी है। ठीक है, है ना, प्रयास वो करिए जिससे कम्युनिकेट कर सकें प्रॉपरली। अच्छा सर, तो आज आप अपीयर होना चाहते हैं अपनी इच्छा से, आपको कॉपीज दिलाई जाए। ठीक सर, ये लेटर कवरिंग लेटर मुझे मिला है सर आपके साथ में, इसमें सर जो केस नंबर वगैरह लिखे हैं सब रॉन्ग है सर। अरे चतुर्वेदी जी, ये हमारा काम नहीं, ये ऑफिस का काम नहीं, है। नहीं नहीं, ऑफिस वालों की कहते हैं ना, तो भाई आप वहाँ जाके हल्ला करिए, हमारे सामने मत टाइम वेस्ट करिए। नहीं, आई एम जस्ट ब्रिंग इट टू योर नोटिस सर। भाई हमारे नोटिस का क्या है, ऑफिस का काम हम थोड़ा ना करेंगे, ये क्रमांक गड़बड़ है, ये है, तो आप क्यों अपीयर हो रहे हैं? अगर आपको डाउट है तो मत अपीयर हुई है। नहीं अपीयर होंगे तो सर वहाँ वो चलता रहेगा। इसके ऊपर आप ही को सुनते रहेंगे क्या? नहीं सर, जब आपके सामने बैंक में और लोग जाते रहे होंगे तब भी आप यही व्यवहार करते रहे होंगे उनसे। आपको उतना विनम्र होना चाहिए जितनी पद ऊंचाई वाले में आप बैठते हैं, है ना? और 69 साल में तो आदमी बहुत मैच्योर होता है। आप 19 साल के होते और ऐसी बात करते तो हम सब आपका माफ कर देते। 69 साल के व्यक्ति को यह एटीट्यूड शोभा नहीं देता है। आया समझ में? चिल्ला के, लड़ के, हल्ला करके कोई न्याय नहीं मिल जाएगा। चिल्ला नहीं रहा सर मैं ना, आपको गलती समझ में नहीं आती है, होशियार बनते हैं। आपको ऐसा लगा हुआ सर? ऐसा लगा नहीं है, नहीं। आपने किया है मेरे सामने, लगा है क्या मैं बेवकूफ हूँ? इतने सारे वकील साहब बैठे, इनसे नहीं लगता आपसे भी लगेगा क्या? आप तो पहली बार दिख रहे हैं मेरे कोर्ट में। सीख जाइए चतुर्वेदी जी, आइंदा दोबारा हमारे कोर्ट में इस तरह से नहीं पेश आएंगे। और अगर आप कुछ भी गलत किया तो मैं एक्शन लूंगा, कंटेम्प्ट नोटिस लूंगा, यहीं से कार्रवाई करूंगा। ठीक, आगे समझ में? ठीक, तो होश में रहना चाहिए, हैसियत में रहना चाहिए और हर किसी की इज्जत करना सीखिए। क्या करते हैं आपके बच्चे? बॉम्बे में रहते हैं। आपको अपने साथ नहीं रखते? नहीं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने क्या पूछा आपसे? हाँ सर, नहीं,
आपके बच्चे आपको अपने साथ नहीं रखते? नहीं, मैं अलग यहाँ रहता हूँ। आप अलग इसलिए रहते हैं क्योंकि आपका स्वभाव इतना दुष्ट है? नहीं, क्योंकि आपको कौन बच्चे अपने साथ रखेंगे? क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे है सर। कितनी प्रॉपर्टी है आपकी? ये थोड़ा सा मकान है, छोटा। थोड़ा सा मकान छोड़िए, 20 साल से कब्जा कर रखा है। अच्छा किया है, अच्छा किया है। आपको एक मौका दिया इनने कि अपने बच्चों के साथ प्रेम से रहिए, वो भी आप नहीं करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे। 4 बच्चे, किसी के साथ तो रहते होंगे साल में कुछ? 3 बच्चे मेरे पास हैं। 3 बच्चे आपके साथ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? दानावली में। यहीं ग्वालियर में रहते हैं? ग्वालियर में, लश्कर में। तो एक ही का नाम क्यों लिया बॉम्बे वाले का? नहीं, बड़ा बच्चा बॉम्बे में, 3 यहाँ पे। 3 यहाँ रहते हैं। तीनों क्या करते हैं? पढ़ रहे हैं, दो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, एक बच्चा प्राइवेट जॉब करता है। अच्छा, प्राइवेट जॉब करता है। अच्छा, चलिए। तो आपने उनको रखा है कि उनने आपको रखा है? नहीं, मेरे साथ ही हैं। मैं आप ही के साथ रहते हैं? जब मेरी जिम्मेवारी है, जब तक वो बड़े नहीं हो जाएंगे, उनको पढ़ाऊंगा लिखूंगा नहीं, जब तक मैं। तो बहुत बहुत छोटी छोटी उम्र के हैं क्या अभी? हाँ, उम्र छोटे भी हैं। 16-17 साल वाले? हाँ, ऐसे ही।